अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो वी आर गोइंग कतारा फेस्टिवल प्लेस। तो हम आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे उसका, तो प्लीज़ वॉच आवर फुल वीडियो। तो ये जी हम घर से निकले थे, तो अभी यहाँ पे बहुत धूप थी और जहाँ जब वहाँ पहुँचे थे तो शाम शाम सी हो गई थी। तो वहाँ पे जो है फेस्टिवल लगा हुआ था, दैट्स वाई हम लोग जा रहे थे। और आज स्पोर्ट्स डे भी था इसलिए। ये जी है एक बड़ी सी की जहाँ पे हम यहाँ से चल के आगे जाएंगे फेस्टिवल की तरफ। एक ही ज़्यादा ही जॉइंट है, पता नहीं कौन सा ताला खोलने के लिए लगाई गई है। तो ये रेस्टोरेंट के बाहर सिर्फ एक आर्ट के तौर पे बड़ी हुई है, और वो देखिए वहाँ पे एक शेल्टर है पीछे, कितना क्यूट है और बड़ा सा। बस इसके नीचे हम जा नहीं सके थे क्योंकि इसके नीचे जाने के भी पैसे थे, क्योंकि ये रेस्टोरेंट था इतना बड़ा। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आइसक्रीम ट्रक्स वगैरह 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 लगा हुआ है। तो हम लोग जो है अपनी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर हम लोग जाना था, तो हमारी लोकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, दैट्स वाई हम जा नहीं सके थे। अभी हम यहाँ पहुँचे फेस्टिवल्स की तरफ जहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं, जहाँ हर एक टेंट पे हर एक चीज़ होती है। और ये जी देख सकते हैं आप, ये वाटरफॉल है और एक स्टैचू। यहाँ पे सीढ़ियों पे खड़ी हूँ जो कि बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स वाली सीढ़ी है, इतनी डरावनी उतरते वक्त तो मैं फिसलने वाली थी। ये देखिए, पता नहीं इन्होंने इतनी जल्दी सारा कुछ कर कैसे लिया। और हम लोग शाम के वक्त इसलिए कहते क्योंकि रात के वक्त यहाँ पे लाइट शो भी होने वाला था। देखिए पीछे कितना खूबसूरत बीच है, और इस तरफ ये वॉक अवे है जहाँ पे हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाटरफॉल को मैं आपको करीब से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब हम चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे वापस आना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जहाँ पे हम होंगे वहाँ पे बहुत दूर होंगे हम यहाँ से। इसलिए मेरे कहा चलो करीब से दिखा देती हूँ, और आगे जाना अलाउ नहीं था तो इसलिए मैं गई नहीं ज़्यादा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। यहाँ से आप जाएंगे सीधा कड़क और चाय की तरफ, वो एक रेस्टोरेंट का नाम है चपाती कड़क, कुछ अच्छा नाम था। यहाँ पे देखिए ये लाइट्स कितनी प्यारी लग रही है, और ये पत्थर और ये फेस्टिवल्स कितने खूबसूरत आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला कॉफ़ी वाला है जिसमें वो कॉफ़ी दे रहे हैं, और उससे अगले वाले बहुत सारी चीज़ें इधर ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे पत्थर की बनी, मिट्टी की बनी हुई और कढ़ाई हुई हुई, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर थी और बहुत ही सस्ते में थी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लगी हुई है। ये जो है कनेक्ट कनेक्शन के लिए था, या वो आपको पैसे दे के नेट ले सकते हैं आप फ्री। और ये देखिए लाइट्स ब्लिंक हो रही है क्योंकि अभी शाम हो रही है, उसे पता नहीं चल रहा कि कब ऑन होना है। ये जी टेंट जो कि पीछे वाली साइड है टेंट की, और ये पूरा फेस्टिवल। हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों ने यहीं से कहीं जाना भी था, यानी कुछ खाने पीने वगैरह, तो यहाँ पर खाना पीना नहीं था, बस पीना पीना ही था सिर्फ। तो हम लोग अपना फुटबॉल भी ले आए थे ताकि हम लोग खेल सके साथ साथ। शाम होने को आ गई है, तो अभी मैं यही पे खड़े हैं, पता नहीं क्यों कब जाएगी यहाँ से। अब तो मैं वेट कर रही हूँ, तो तुम्हें इतना भूख लग रही है। बताओ क्या बच्चे यहाँ से जो है खेल रहे थे, इसी वजह से हम जा नहीं सके। तो अभी हम निकलेंगे इंशाल्लाह, निकल रहे हैं हम, तभी हम निकल रहे हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जो है काके मुन्ने सारे बहुत तंग कर रहे हैं, और वो पीछे एक रेस्टोरेंट है मगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये देखें अब हम लोग जा रहे हैं, तो जब पहुँचेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सारी लाइट्स जो है ऑन ऑफ हो रही है, उन्हें पता नहीं चल रहा कि कब ऑन होना कब ऑफ होना, सिस्टम ख़राब हो गया शायद इनका। यहाँ पे इतना रश था, माय गॉड, आप लोग गैस नहीं कर सकते कितना ज़्यादा हो सकता। पता नहीं क्या लेने आए थे लोग, यहाँ पे चीज़ें भी इतनी महंगी थी वैसे ही। तो हम लोग तो अभी जा रहे थे अपने उस तरफ कड़क चाय वगैरह पीने और खाने पीने कुछ करने जा रहे थे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चबाती हुआ कड़क, ये उसका छोटा सा फेस्टिवल है, और हम जा रहे हैं उसके रेस्टोरेंट में। तो
जो फेस्टिवल होता है तो इस तरह वो बड़ी बड़ी दुकानों के ना छोटे छोटे वो लग जाते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉल्स वगैरह। स्टैचू जो है 10 मिनट से ज़्यादा कम नहीं लगती है। तो जी हम अभी आगे जा रहे हैं, जिस तरफ से हम आए थे उस तरफ से हम वापस जाएंगे रेस्टोरेंट में। वहाँ पे हमने जो है खाना पीना खाना है, सॉरी खाना वाना खाना है, तो हम जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है रश बहुत ही ज़्यादा था, पार्किंग की नहीं मिली थी हमें, तो आपको लोगों को पहुँच के बताती हूँ, ठीक है। हम घर नहीं जा रहे हैं अभी, हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके खाना खाएंगे। वहाँ पे आपको भी दिखाओगे कि रात के वक्त इतना प्यारा लाइट शो होता है। तो वहाँ पे सीधा स्ट्रेट जाके राइट होना है, देन फिर सीधा ही जाते जाना है, एंड देन आप पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत वो रेस्टोरेंट है और कितना प्यारा उधर लगता है, कितना प्यारा उधर व्यू आता है खाते खाना खाते वक्त। तो हम तो सारा टाइम चेयर्स ही ढूंढते रह गए थे, क्योंकि इतना टाइम हो गया था हमें कि हमें मिल ही नहीं रही थी चेयर्स, इतने ज़्यादा रश था, पता नहीं लोग क्या ले रहे थे इधर। यहाँ पर तो वैसे भी कुछ मिलता नहीं है फ्री का। लगाते वक्त की वीडियो हम बना नहीं सके थे क्योंकि हम लोग जो है तो क्या कहते हैं चेयर्स ही ढूंढे बिजी थे, तो इसी वजह से हम लगाते वक्त की वीडियो नहीं बना सके। तो क्योंकि चेयर और टेबल जो है हमारे लिए कम था, दैट्स वाई। तो अब जी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं ऊपर लाइट्स ऑन हो गई है, ये देखिए कितना रश है यहाँ पे, यहाँ पे तो चलना ही मुश्किल था इतना। ये कतारा सिनेमा है सामने वाला और वो भी फ्री नहीं है, ये मुश्किल से हमें 4 चेयर्स वाला टेबल मिला था एक, तो उसमें बैठे हुए थे। यहाँ पे जी आपको दिखा रही हूँ मैं कि रात के वक्त यहाँ पे कैसा लगता है व्यू वापस जाते वक्त का। तो रात के वक्त यहाँ पे इतनी रोशनी होती है कि सर ऊपर ही नहीं देखा जाता। ये है जब आती हो कड़क और हम उसके रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। ये है जी वो की जिसका ताला पता नहीं किधर है, और ये है जी वो गाड़ी जिसके अंदर हम कभी बैठे ही नहीं। और ये देख सकते हैं आगे है कमाची, पता नहीं क्या नाम है इसका, यही नाम होगा शायद। तो हमें अभी रेस्टोरेंट में ही खड़े हैं, बिल्कुल ओपन रेस्टोरेंट है ये, पीछे से ही सिर्फ बंद है, आगे से ओपन है बिल्कुल। तो ये सारी वीडियो जो है बाकी की रात को ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि रात को ज़्यादा लाइट्स ऑन हो गई थी शाम के वक्त, तो सुबह के वक्त तो ज़्यादा इतनी नहीं थी लाइट्स वगैरह, सुबह के वक्त सूरज ही लाइट काफ़ी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू, और खूबसूरत के साथ साथ रश भी कितना है। यहाँ पे हमारी बॉल जो है रोड पे चली गई थी, तो जो मेरा कज़न है वो उसके पीछे पीछे भाग गया, एंड देन इतनी मुश्किल से पकड़ा। ये जी है यहाँ पे ऑर्डरिंग प्लेस, यहाँ पे आप ऑर्डर दे सकते हैं, और सामने वाला टेबल ये हमारा टेबल है और जिसकी हम चेयर से जमा कर रहे हैं बैठ रहे। तो मुझे तो मेरी चेयर मिली नहीं, तो ये देखिए रात हो रही है, इतने प्यारे व्यू आ रहे इधर। तो गाइस कतर में रहते हैं तो प्लीज़ आप इस जगह को विज़िट कीजिएगा, ये बहुत ही फेमस प्लेस है और हर किसी को पता है क्या होती जगह। तो ये जी हमारा खाना आ चुका था, और ये देख सकते हैं अभी खाना बट रहा है, किस किस का जो जो है। तो सारे बच्चों ने जो है न्यूटेला चपाती ली थी, और आई हेट न्यूटेला, मैंने चीज़ वाली चपाती ली थी। तो अब लोग देखें कितने प्यारे मज़े की लग रही है, तो ये सारी सिर्फ चीज़ वाली चपाती सबसे ज़्यादा मज़े की थी, और ये बच्चों का फीडर। अभी हम जी है घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो लाइट जो है ऊपर की तरफ वो हो रहा सारा, तो हम लोग जो है घर की तरफ जा रहे हैं। कोरोना की वजह से सारी जगह ही बंद कर दी इधर, पता नहीं कोरोना में क्यों हम लोग इधर आए थे, तो एक दिन पहले ही आ रहे थे उससे। ये देखिए कबूतर वाला जो है ये स्टैंड खुला होता था, इसके आगे कोई बैनर नहीं था, अब तो बंद ही कर दिया इन्होंने, तो यहाँ निकला ही नहीं जाता। तो जब हम निकलेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, और ऊपर से अंधेरा भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे चल रहे हैं। ये देखिए इस तरफ से आगे तो बहुत रश है, तो इधर ये जो है गाड़ी से निकल के मेरे दोनों भाई कल बाजियाँ खाना शुरू कर दी, बॉल को साइड पे रख के, मैं तो गाड़ी में बैठे जा रही थी, ये दोनों ने शुरू कर दी कल बाजियाँ खाना। इन लोगों को जो है ग्रास बहुत पसंद है, ग्रीन कलर की, और वही हमारे घर के बाहर ख़त्म हो गई है। इतना ही नहीं ऐसा हुआ हुआ था कि सूखा पड़ गया था कि ग्रास ही बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और ये LED पता नहीं क्या कहते थे लाइट शो जो है जो भी है अच्छा लग रहा था मुझे। तो हम लोग इसलिए जल्दी निकले थे क्योंकि यहाँ पे रात के वक्त और ही ज़्यादा रश हो जाता था, और जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी ना जब हम घर आए, तो हमें पता चला कि हमें मुखालफा पड़ गया, यानी हमें जुर्माना हो गया।
सबने खड़ी की हुई थी, तो हमें भी लगा हम भी नहीं कर देते खड़ी, और हमने भी कर दी और हमें जो है जुर्माना पड़ गया। तो यही मुसीबत जो है होगी थी, जिसके बाद हम कभी भी कतारा नहीं जा सकेंगे। हमारे मामा ने कहा नेवर एवर यू आर गोना गो कतारा। तो अभी तक तो मामा का दिल नहीं भरा था, तो मामा वीडियोज ही बना रही थी, तो मैं ही उसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं अब हम लोग जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं और रश में फंस गए। अब यहाँ से कौन निकले भाई, यहाँ से तो कोई नहीं निकल सकता, इतना रश था तौबा अल्लाह के, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही रश हो गया था। सबको ही आना था इधर, यहाँ से कुछ खरीदा तो किसी ने था नहीं, और ऐसी हाल ही हाथ आ गए। ये जी है कतारा पार्किंग और वो होटल आ गए, लोग देख सकते हैं वो जो लाइट्स अभी तक इधर ही बज रही है, और वो गो बॉक्स देखिए कितना बड़ा है। और ये मेरे ख्याल से एक्चुअली म्यूजियम है, और ये जो है महंगा तरीन होटल, ये बताओ किस लिए बनाया गया है? जिन गच्छियों को पता नहीं होता ना किधर पैसे खर्च करने, वो लोग सारे महंगे होटल्स पे पैसे खर्च करते हैं। तो ये गिफ्ट बॉक्स बहुत ही प्यारा लगा है मुझे, मगर कभी भी मैं इसके अंदर गई नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये हम ब्रिज के अंदर से जा रहे थे, तो अभी हम घर की तरफ रवानगी कर रहे हैं अपनी। मेरे वीडियो को थोड़ी तेज़ कर दिया, आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही गाड़ी तेज़ चल रही है। तो वो देख सकते हैं वो जो दफ्ता वाला दफ्ता की तरफ आता है ये ब्रिज कुछ ऐसा ऐसा है, ये जो बहुत पसंद है, इतना प्यारा कलर होता है इसका रात में। तो आगे देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और ये बस्टर भी आई थी आगे, बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स। मुझे तो लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, मैनहट्टन में आ गई हूँ। तो इधर यहाँ पे इशारा जब बंद होता था मुझे बहुत ही बुरा लगता था। ये मामा ने पिक्चर्स बना रही थी, वो मामा दिखा रही है। तो चलिए अब आपको अगर हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। बाय बाय। व्लॉग अगर आप लोगों को इतना अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिएगा। बाय बाय।